इन दिनों शिलांग शहर में जहां महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं चोरी के मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इन खतरों से निपटने के लिए पूर्वी खासी हिल्स की पुलिस ने सहायता मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप की सहायता से महिलाओं को हिंसा से बचाया जा सकेगा और पीड़ित महिलाओं की रक्षा करने में भी कारगर साबित होगी। पुलिस द्वारा शुरू किए गए इस ऐप की डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुर्म और चोरी के बड़े बड़े मामलों की जांच की जाएगी और राज्य में आपराधिक मामले आसानी से निपट जाएंगे। We have planned to launch an app, a digital mobile app called Help App. Yeah, Help App. So wherein we wanted to, though we had actually officially launched it, however, its application has not been advertised or circulated well enough. Maybe we have not been able to focus much on its publicity. Mm-hmm. So what we want to do is now with this app being launched. So it is a mobile app which can be downloaded, and people can install this app in their mobiles. And in case they feel threatened or they need an emergency, wherein they feel that they cannot speak or they cannot talk, let's say a burglary or a theft is happening, but if they call the police or something, their voice may be heard or something like that, then what they can do is with this app they can just send us a message. The police will need not ask so many things about the location, the details and all that, because the app itself will point where the location of where the crime has been committed. Okay, so we can easily track the location of such kind of the crime where the crime is being is happening. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनुप्रिया पटेल ने मिजोरम का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने एजोल क्लब में मिजोरम सेहत विभाग के कर्मचारियों के साथ मुलाकात करके सेहत संबंधी गतिविधियों के बारे में चर्चा की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री लालथान हावला के साथ मुलाकात की। अनुप्रिया पटेल ने राज्य की सेहत स्कीमों के बारे में मुख्यमंत्री से विस्तार में बातचीत की। मिजोरम के इस दौरे के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सचिव लालरिन लियाना फनाई के साथ भी एक मुलाकात की और केंद्र द्वारा चलाई जा रही सेहत स्कीमों और डोनर स्कीमों के बारे में चर्चा की। नागालैंड के दिमापुर में एक संदिग्ध NSCNKN के कादर को गिरफ्तार किया गया है। दिमापुर के कालीबारी रोड में तलाशी के दौरान ही कादर को गिरफ्तार किया गया। आई होजोस सुमी नाम के कादर से एक PT-32mm पिस्टल, 7 लाइव राउंड 32mm पिस्टल, 3 लाइव राउंड 22mm पिस्टल और 21 SP टैबलेट बरामद किए गए हैं। आगे की जांच के लिए उप शहरी पुलिस स्टेशन दिमापुर को केस सौंप दिया गया है। सिक्किम में जंगली कुत्तों की बढ़ती आबादी के कारण लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जंगली कुत्तों के झुंड आवारा घूम रहे हैं, जिससे पारिस्थितिक समस्या पैदा हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए एक साथ प्रयास की आवश्यकता है। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने भी सरकार को निर्देश दिए हैं कि जंगली कुत्तों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए जल्द से जल्द कोई उपाय अपनाया जाए। सिक्किम एंटी रैबिस एंड एनिमल हेल्थ विभाग ने इस समस्या से निपटने के प्रयास भी किए, लेकिन समस्या का पूरी तरह से समाधान के लिए हितकारी सहयोग की भी जरूरत होगी। टू बी फेयर, दिस फेरल और फ्री रेंजिंग डॉग्स एज वी कॉल देम, दे हैव कम अप एज वन ऑफ द इमर्जिंग थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ। एंड दिस इशू ऑफ फेरल डॉग्स एक्चुअली अटैकिंग वाइल्ड लाइफ
is happening almost throughout Sikkim. Not just Sikkim, but I think it is a big problem throughout India itself. Wherever you have wildlife areas very close to human habitations, these feral dogs, they usually, what they do is usually they stay in the villages itself, but whenever there is a shortage of food in the village, they would go into these wildlife areas and then they would attack all the animals which usually are a bit weak and which they can chase and kill.